बारिश के कारण रद्द होगा तीसरा टेस्ट मैच। जी हाँ दोस्तों, कैसा रहेगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पांचों दिन का हाल, बताएंगे आपको पूरी खबर इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बारिश न हो और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाए, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार यानी 11 जनवरी से केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सेंचुरियन में पहला मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जोहानिसबर्ग टेस्ट जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब टीम इंडिया की नजरें तीसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने पर होगी। इस मैच पर पिछले दो मुकाबलों की तरह बारिश का खतरा है। मौसम से जुड़ी वेबसाइट accuweather.com के अनुसार केप टाउन में टेस्ट के पहले दिन आसमान पर बादल छाए रहेंगे, बारिश की भी संभावना है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले सत्र का खेल यानी लंच से पहले का खेल बारिश के कारण बर्बाद हो सकता है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। केप टाउन में 11 जनवरी को बारिश की संभावना 64% है। इसके बाद मैच के दूसरे और तीसरे दिन यानी 12 और 13 जनवरी को बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। चौथे दिन यानी 14 जनवरी को सिर्फ 1% बारिश का आसार है। वहीं पांचवें दिन यानी 15 जनवरी को यह बढ़कर 19% हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैच के पहले दिन को छोड़कर बाकी के चारों दिन मौसम साफ रहने वाला है। यानी दोस्तों, आपको बाकी के चार दिन मैच का पूरा आनंद लेने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को तीसरे टेस्ट मैच में हरा पाएगी या नहीं? नीचे दिए कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।